मंच पर उपस्थित डॉक्टर रिंकू, विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित किसान भाई बहन, सबसे पहले तो आज आपका यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो मैं सिंपल सी आपको बागों के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। ये जो सेंटर है 2009 के अंदर हमने शुरू किया था, 8 के अंदर हम लोग इजराइल गए थे, वहां से लगभग 20 दिन रहने के बाद वहां की जो टेक्नोलॉजी है वो हम यहाँ पे लेके आए। तो 2009 के अंदर शुरू किया, 2010 के अंदर इसको हमने कंप्लीट कर दिया। इस फार्म के अंदर मेन तीन टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की है। एक तो ये कि पहले जहां हम पुरानी पद्धति से पौधे जैसे किन्नू माल्टा की बात करें तो 20x20 फीट के ऊपर ही लगाते थे, एक एकड़ में लगभग 100 के आसपास पे। आप जब यहाँ फील्ड की विजिट करोगे तो देखोगे कि हमने अलग अलग स्पेसिंग के ऊपर, आजकल जमीनों का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है परिवार बढ़ने के कारण, तो जिस किसान के पास जमीन कम है उस किसान के पास इनकम बढ़ाने का एक ही जरिया है कि वो अपनी जमीन में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। किस टाइप से लगाने हैं ये आप यहाँ पे जब विजिट करोगे, इस मेले का यही उद्देश्य है आप लोगों को बुलाने का कि आप यहाँ पे आके प्रैक्टिकली तौर पर देखो कि कौन सी क्रॉप कितनी दूरी पे लगा रखी है, उसमें कैसी फ्रूटिंग है, किस तरह का रख रखाव हम लोग यहाँ पे करते हैं, तभी आपका यहाँ आना मैं समझूंगा अभी सार्थक है। तो यहाँ पे हमने एक एकड़ के अंदर कई ट्रायल में हमने 100 पेड़ लगाए, कईयों में 150 के आसपास लगाए, 220 पेड़ भी है और इससे ज्यादा भी है। 20x20 के ऊपर हमारी प्लांटेशन है, 20x13 के ऊपर हमारी प्लांटेशन है, 20x6 फीट के ऊपर भी हमारी प्लांटेशन है। तो जितनी ज्यादा नजदीक हम हाई डेंसिटी के ऊपर प्लांटेशन करते हैं तो आपकी यील्ड है, जो उत्पादन है वो काफी बढ़ जाता है। जब हमने इनके अलग अलग ट्रायल के पहले साल के डेटा लिए थे, किन्नू के अंदर मैं बात करूं तो जो हमारी 20x20 के ऊपर प्लांटेशन थी तो चौथे साल का जो पहला प्रोडक्शन था वो लगभग हमारा 20 क्विंटल के आसपास आया था। जो हमारी 20x13 के ऊपर प्लांटेशन थी उसका झाड़ हमारा लगभग 52 क्विंटल आया था, 52 क्विंटल, और जो 20x6 फीट के ऊपर हमने लगाया था उसका झाड़ था 72 क्विंटल। अब काम 20 क्विंटल का 70 क्विंटल, बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन सारे निष्कर्ष निकालने के बाद किन्नू माल्टा के अंदर हमने जो बेस्ट स्पेसिंग की है वो 20x13 से लेके 20x16 फीट के ऊपर आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि पूर्व से पश्चिम लाइन से लाइन का फासला 20 फीट और उत्तर से दक्षिण पौधे से पौधे का फासला आप 13 से लेके 16 फीट तक कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये अलग अलग फसलों के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो हमारी ये टेक्नोलॉजी जो हमने यहाँ पे अडॉप्ट की कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। दूसरी जो टेक्नोलॉजी इजरायली हमने अडॉप्ट की वो ये है कि हम जैसे पंजाब स्टेट की बात करें या ऐसे जमीनों की बात करें जहां पे हैवी सॉइल है, जहां पे पानी रुकता है, तो उस एरिया के अंदर अगर हम बाग लगाते हैं तो पानी रुकने की वजह से फाइटोपथोरा और दुनिया भर की बीमारियां आ जाती है। तो इजराइल के अंदर कहीं भी आपको फ्लैट के अंदर प्लांटेशन नहीं है, वो जमीन से ऊपर 2 या 3 फीट मेड़ बना के प्लांटेशन करते हैं, जैसे आपने फील्ड में देखी हो। जब आपने जमीन से 2 या 3 फीट ऊपर डोली बना के मेड़ बना के प्लांटेशन की है तो उसके बाद मायने नहीं रखता कि आपकी जमीन कैसी है, कंकड़ है, पत्थर है, क्योंकि 4 फीट से ज्यादा जड़े नहीं जाती, तो ऑक्सीजन भी पौधे को ज्यादा मिलती है, पानी रुकता नहीं है, तो इस वजह से आपकी उत्पादन भी है वो पौधों का बढ़ता है। तो आप प्लेन जमीन में ना लगा के पौधों को मेड़ के ऊपर लगा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी भी हमने जो इजरायली टेक्नोलॉजी है ये यहाँ पे अडॉप्ट की। तीसरी जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी आप देखोगे कि
हम बाग के अंदर खुला पानी देने के बजाय ड्रिप से इरिगेशन देते हैं। किसान जो ड्रिप लगाता है सब्सिडी के ऊपर, तो किसी की 4 साल 5 साल 7 साल चलती, इसके बाद वो बीच बीच में खुला पानी भी देते रहते हैं। क्योंकि किसान के मन के अंदर ये वहम है कि ड्रिप से पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी पौधों को। लेकिन अगर आपने ठीक तरीके से मैनेज करके ड्रिप इरिगेशन को खेत में लगाया है, तो यहाँ आपके सामने प्रैक्टिकल उदाहरण है कि 72 एकड़ का हमारा फार्म है, जिसमें अलग अलग टाइप के सभी पौधे लगे हुए हैं, लेकिन खुला पानी देने के लिए हमारे पास वाटर चैनल ही नहीं। सारे पौधों को सिंचाई हम ड्रिप इरिगेशन से ही करते हैं। तो ये देखना जरूरी है कि हमारा ये बैम आप जब निकल जाएगा आपका, जब खेत में आप विजिट करोगे कि पूरे खेत में सिर्फ और सिर्फ ड्रिप से ही पानी दिया जाता है, और किसी भी हालत में हमारे पौधे, हम ये नहीं कह सकते भी कमजोर है या कम पानी की वजह से ठीक नहीं चले, तो ये आपको प्रैक्टिकली आज बिल्कुल पता चल जाएगा, आप देख के जाना। लेकिन ड्रिप का डिजाइन ठीक होना जरूरी है। शुरू के अंदर जब ड्रिप इरिगेशन की कंपनी आपके खेत में आती है, डिजाइन करती है, तो उनको आपने ये बोलना है कि डिजाइन ऐसा करो कि मैंने पूरे बाग को पूरी लाइफ ड्रिप से ही पानी देना है, मैंने खुला पानी नहीं देना। पैसा एक बार में 2-4 हजार का फर्क पड़ेगा आपका प्रति एकड़, लेकिन बाद में मैं समझता हूं कि आपको कभी खुला पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 3 टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ लेके आए हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने एक नर्सरी बनाई जिसमें सभी फलदार पौधों के पौध हम यहाँ तैयार करते हैं नेट हाउस के अंदर, इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस के अंदर। अलग अलग पौधों का अलग अलग रेट है, किन्नू का 100 रुपये है, माल्टा 100 रुपये है, अमरूद 70 रुपये है, अनार का भी 45 रुपये के आसपास है, वो डिपार्टमेंट के पास लिस्ट पड़ी है, इस पे विभाग सब्सिडी भी देता है, तो आप यहां से पौधे भी ले सकते हो। इसके बाद हमने यहाँ थोड़ी सी दूर जाओगे तो कॉर्नर के अंदर एक हाईटेक ग्रीन हाउस बना हुआ है। पहले ये सुविधा सिर्फ हमारे गरौंडा सेंटर के अंदर थी, लेकिन अब मांगेणा के अंदर भी। तो यहाँ जो भी किसान भाई आगे अप्रैल के अंदर, फरवरी के बाद में कोई तरबूज की खेती करना चाहता है, खरबूजे की खेती करना चाहता है, खीरे की खेती करना चाहता है नेट हाउस के अंदर, उसके पौधे भी आप यहां से तैयार किया करा सकते हो सब्सिडी के ऊपर, जो कि लगभग 1 रुपया 20 पैसा के आसपास खर्च आता है, और इसके लिए विभाग आपको सब्सिडी देता है। आपने सिर्फ बीज लाके, जिस भी फसल के कोई भी आप तैयार करा बीजना चाहते हो, उसके बीज लाके काउंट करके दे दो भी मेरे 10,000 बीज है और ये तैयार करके दे दो, तो आपको 1 महीने बाद वो बीज तैयार करके बक्सों के अंदर ट्रे को देके आपको कॉल करेंगे, भाई आपका आपकी पौध तैयार हो गई है और आप इसको ले जाकर लगा सकते हो। तो ये मैन 3 टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद जब आप आए हो तो पूरे फील्ड की विजिट करना। यहाँ पे हमने किन्नू के अंदर पहले एक वैरायटी होती थी जिसके अंदर बीज थे 5 से लेके 40 बीज। इसके बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने एक कम बीज का किन्नू तैयार किया, जो आने वाले टाइम में हो सकता है जूस पर्पस के हिसाब से कोई जूस की फैक्ट्री के लिए वो कामयाब हो सके, तो वो है PAU किन्नू No. 1 यहाँ लगा हुआ है। उसके फ्रूट भी आप रास्ते जाओगे तो लेफ्ट साइड में पड़ेगा, तो उसमें जो बीज है वो 3 से लेके 5 बीज है, बहुत अच्छी वैरायटी है, आने वाले टाइम में जूस पर्पस के लिए ये सबसे अच्छी वैरायटी साबित होगी, तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हो। इसके पौधे भी हम यहाँ पे तैयार करते हैं। माल्टे के अंदर पहले शुरू के अंदर मौसमी था, बहुत साल पहले की बात करते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे साइंस ने तरक्की की, डॉक्टरों ने भी इसकी खोज की, तो इसके बाद में जाफा आया, ब्लड रेड आया, और अभी 2 साल पहले पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने अर्ली गोल्ड माल्टे की वैरायटी भी विकसित की है, जो हर लिहाज से फ्रूटिंग के हिसाब से, जूस के हिसाब से बहुत अच्छी वैरायटी है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हमने अमरूद की 10 वैरायटियां लगाई है। हर एक वैरायटी की 3-3 लाइनें हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो है सार्स पैदा। कई बार हम कोई नए फ्रूट की खेती करते हैं तो उसको सीधा करने के बजाय आप इस सेंटर पे आए, उस सेंटर की विजिट करो, यहाँ अमरूद की 10 वैरायटियां लगी हुई है, सबके फ्रूट है,
तो आप तसल्ली से उस इन वैरायटियों की इनको देखो, आप कौन सी वैरायटी में किस टाइप का फ्रूट है, उसका साइज क्या है, उसका रंग क्या है, क्या वो बाजार में बिक पाएगा या नहीं बिक पाएगा। ये बातें आपके सामने प्रैक्टिकल है, बिना सोचे समझे आपने कोई वैरायटी लगा ली, 3 साल बाद जब उसके ऊपर फ्रूट आता है वो किसी काम अच्छी वैरायटी नहीं निकली या मार्केट में नहीं बिका, तो आप लोग समझते हो भी बहुत बड़ा मेरे साथ धोखा हो गया, जानकारी ना होने की वजह से मैंने गलत वैरायटी लगा ली। तो उसके बाद उस वैरायटी को उखाड़ के अगर आप नई वैरायटी लगाते हो तो वो किसान कम से कम 5 से 6 साल पीछे चला गया। तो मेरा कहने का मतलब, जो भी वैरायटी, जिस भी फल की वैरायटी आप लगाना चाहते हो, बाग लगाना चाहते हो, वो बाग किस एरिया के अंदर लगा हुआ है, उसकी कौन कौन सी वैरायटियां हैं, कितनी दूरी पे लगा हुआ है, ये सब आपके सामने यहाँ फार्म पे ट्रायल लगे हैं। आज आप आए हो, मेले के बाद में भी आप यहाँ पे आ सकते हो, आके इनका विजिट करो ताकि आपको पता लगे भी मेरे को वाकई ये वैरायटी लगानी चाहिए या नहीं चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको दिक्कत ना आए। इसार्स पैदा हमारी अमरूद की सबसे अच्छी वैरायटी है, जो किसान के खेत में कम से कम 50 रुपए किलो बिकता है, बाकी कोई भी अमरूद आपको अच्छी इनकम नहीं देगा। इसके लिए हम लोग यहाँ भी पौधे तैयार करते हैं, और फतेहबाद के पास 25 किलोमीटर दूर भुना एक जगह है जहाँ पे हमारा गुआवा डेमोस्ट्रेशन सेंटर है, जहाँ पे 21 वैरायटियां लगी है और अलग अलग ट्रायल पे लगी है, जहां से 100-150 पेड़ से लेके 2000 पेड़ तक एक एकड़ में हमने लगा रखे। उस फार्म का भी आप विजिट कर सकते हो। इसके साथ साथ हमारे पास अनार की 5 वैरायटियां यहाँ पे लगी है, जिसमें गणेश 137, भगवा, मर्दुला, वंडरफुल, अर्कता और सुपर भगवा। तो अनार के अंदर भी बहुत अच्छी इनकम है, लेकिन अनार के अंदर अनार तब का बाग तभी कामयाब है जब आप इसमें ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करते हो। अगर आप खुला पानी देते हो तो अनार का बाग लगाने का कोई फायदा नहीं, इसमें क्रैकिंग आएगी, बीमारियां ज्यादा आएगी और आपको फायदे की बजाय नुकसान होगा। तो अनार की खेती पे ऊपर जाना चाहते हो तो सरकार इस पे सब्सिडी भी देती है, लेकिन आपको ड्रिप इसमें जरूर लगानी होगी, खुला पानी से अनार नहीं चला। इसके साथ साथ हमने खजूर की भी 3-4 वैरायटियां लगा रखी है, जिसमें जो सबसे अच्छी परफॉर्म वैरायटी कर रही है वो है बरही और खनूजी। और इसके बाद आप प्रोसेसिंग करके उसके छुआरे बना के बेचना चाहते हो तो वो वैरायटी मटजूल है। यहाँ एक स्टॉल भी लगा है कंपनी का, उसमें भी मटजूल वैरायटी के छुआरे उन्होंने बना रखे, तो ये भी 5वें साल में इसका फल आता है और किसान भाई इसकी भी बाग लगा सकते हैं, डिपार्टमेंट इसके ऊपर सब्सिडी देता है। तो ये सारी मोटी मोटी बातें थी जो किसानों ने, जो फार्म के ऊपर थी, मैंने आपको बताई। किसान यहाँ से कोई भी पौध लगाना चाहता है तो ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो वो यहाँ से आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि कब हमारी साइट खुलती है, कौन कौन से पौधे मिलते हैं, किस रेट में मिलते हैं, वो साइट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हम लोग यहाँ पे बुक करते हैं। तो ये बातें मैन फार्म की रही। अब हम बागवानी की बात करें, बाग लगाने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बाग लगाने के लिए 2-3 चीजें जरूरी है भी। पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास पानी कैसा है। अगर आपके पास नहर का पानी है तो किसी भी तरीके का बाग आप लगा सकते हो। अगर आपके पास नहरी पानी की कमी है, ट्यूबवेल का पानी है, तो सबसे पहले अपने ट्यूबवेल की पानी की इसी चेक कराएं, उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी है, साल्ट कितने का। इसके बाद उसमें आप किन्नू माल्टा नींबू को छोड़ के आप अमरूद लगा सकते हो, आड़ू लगा सकते हो, आलू बुखारा लगा सकते हो, बग्गू गोसा लगा सकते हो। ये भी फसलें किसानों को बहुत अच्छा पे कर रही है, लेकिन इनके प्लांट हम लोग यहाँ पे तैयार नहीं करते। आड़ू आप लगा सकते हो, तो इनके फार्म हमारा एक सेंटर है लाडवा कुरुक्षेत्र के पास, वहां से आप ये आपका आड़ू है, आलू बुखारा है, बग्गू गोसा है, नाशपाती है, इनका भी बहुत अच्छा ट्रेंड है, 50 रुपए किलो बिकती है। ट्यूबवेल का पानी आप लगा सकते हो, और ये सारी फसलें ऐसी है, बग्गू गोसा, नाशपाती, जो 7वें महीने के अंदर आपको पैसा देती है और खूब अच्छा पैसा देती है, तो इनके ऊपर भी किसान भाई जा सकते हैं। इसके बाद बात आती है आपके पास जमीन कैसी है। तो जमीन मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, भी कैसी भी जमीन हो, जमीन से आप 2 या 3 फीट ऊपर रिज बना के प्लांटेशन करके किसी भी तरीके का बाग लगा सकते हैं। अब बात आती है, जब ये दोनों चीजें फाइनल हो गई
फिर हमने किस हाइट में कितने पौधे लगाने हैं। तो मैंने पहले भी जैसे आपको बताया भी, हमने पूर्व से पश्चिम लाइन से लाइन का फासला 20 फीट रखना है, उत्तर से दक्षिण आप पौधे से पौधे का फासला कम या ज्यादा रख सकते हो। जब आपका ये फाइनल हो गया भाई मैंने 10 एकड़ के अंदर मेरे इतने पौधे लगने हैं, तो सबसे पहला काम किसान ने ये करना है कि अच्छी नर्सरी के ऊपर जाकर, चाहे हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें या कोई अच्छी प्राइवेट नर्सरी है जो स्टेट गवर्नमेंट से भी अप्रूव्ड हो और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से भी अप्रूव्ड हो, ताकि उसके बिल के ऊपर आपको सब्सिडी मिल सके। तो उन नर्सरियों पर जाके सबसे पहला काम हमने पौधे बुक कराने का करना है। किसान यहीं पे गलती करता है, हम सारे काम पहले करते हैं पौधे लगाने के लिए। जब सीजन आ जाता है जुलाई अगस्त के अंदर, तो 10 दिन या 15 दिन पहले घर से पौधे लेने के लिए निकलते हैं। अच्छी नर्सरियों के ऊपर 6-6 महीने से लेकर 1 साल पहले पौधे बुक हो जाते हैं। जब आप टाइम पे पौधे लेने के लिए निकलोगे तो मैं समझता हूँ भी किसी भी अच्छी नर्सरी के ऊपर आपको पौधे नहीं मिलेंगे, वो टाइमली पहले बुक हो गए। फिर हमें एटलीस्ट या तो लेट होना पड़ेगा या जो जैसे उनके पास मिलेंगे वो ही पौधे हमें खेत में लाकर लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहले पौधे बुक कराने का काम करना है, अच्छी नर्सरी पे करना है। और जैसे पंजाब के अंदर यह ट्रेंड चल रहा है, रात दिन हम लोग देख भी रहे कि जब आप नर्सरी पे जाते हो प्राइवेट नर्सरी के पास, जो बहुत अच्छी नहीं होती मैं कहूंगा, जो जिन्होंने खोल रखा है, तो उन लोगों का मकसद होता है भी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, बाकी कोई चीजें उनके लिए मायना नहीं रखती। तो वो जब आप जाओगे तो वो कहेंगे जी ये 1 फीट का है, 2 फीट का है, ये 6 फीट का प्लांट है जी, 150 रुपए का, ये अगले साल ही फल देना शुरू कर देगा। एटलीस्ट किसान उसी को सिलेक्ट करके 6-6 फीट के पौधे लगा लेते हैं। प्रॉब्लम तो आपने शुरू में खेत में क्रिएट कर लिया। तो मैं बड़े पौधों को नहीं लगाना खेत में, ये स्पेशल आप लोगों से रिक्वेस्ट है। 1 साल से ज्यादा जिस पौधे की हाइट है 2.5 से 3 फीट, उन्हीं पौधों को हमने लगाना है, इससे बड़े पौधों को हमने खेत में लगाना ही नहीं है। वो वाटर शूट की अनवांटेड ग्रोथ है, दो फसल लेने के बाद में उनकी डालियां सी पत्ते रहेंगे नहीं, निकल जाती है, स्प्रे आपकी बंद नहीं होगी, फ्रूट की क्वालिटी आपकी बढ़ेगी नहीं। तो ऐसे पौधों का सिलेक्शन हम बिल्कुल फ्री में भी नहीं करना है, किसी के कहने पर भी नहीं करना है। सिर्फ 1 साल के पौधे अच्छी नर्सरी जो कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, ऐसी नर्सरियों से हमने पौधे लेने। पौधे जब बुक हो गए तो जो खेत पे काम होने हैं आपके, वो आपने करने, उनके बाद आप निश्चित हो गए भी मेरे पौधे बुक हो गए। सबसे पहला काम हमने निशानदेही का किया, उसके बाद में हमने गड्ढे बनाने हैं। हर काम साइंटिफिक तरीके से करना है, ये नहीं है कि बिना गड्ढे किसी ने कह दिया भी, आपकी पड़ोसी ने कह दिया भी, जमीन आपकी नरम है जी, गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हर काम को साइंटिफिक तरीके से करना है ताकि आपको कोई दिक्कत आए ना। सबसे पहले हमने 3x3 का गड्ढा खोदना है, ट्रैक्टर से भी आप डिगिंग करवा सकते हो, मैनुअली करा सकते हो हाथ से। तो 3x3 का गड्ढा खोदने के बाद उसको 10 दिन आपने धूप लगानी है। जैसे ही आपकी सरसों कणक कटेगी अगले सीजन की बात करें, तो जैसे ही खेत खाली होता है सबसे पहले गड्ढे खोदने का काम करें। 10 दिन धूप लगाई तो सारे जितने हार्मफुल बैक्टीरिया है सारे के सारे किल हो जाएंगे। इसके बाद आपने उस गड्ढे के अंदर जो मिट्टी निकाली वो 2 किलो सिंगल सुपर फास्फेट मिला के और 25 से 30 किलो देसी खाद जो 1 साल पुरानी काले रंग की हो, भूरे रंग की ना हो, वो गड्ढे के अंदर जमीन से 4-5 इंच ऊपर तक भर के और पूरे गड्ढे के अंदर हमने पानी देना है ताकि वो मिट्टी नीचे बैठ जाए। फिर जैसे ही आपको टाइम मिले पौधे लगाने से पहले पहले 4 से 5 पानी आपने उन गड्ढों के अंदर देने, ताकि जो हमने खाद डाली वो अच्छी तरीके से गल सड़के बिल्कुल तैयार हो जाए, उसकी गर्मी निकल जाए। फिर हमने जैसे ही दिन का टेम्परेचर 26 से 25 डिग्री के आसपास आता है, लगभग आपका जुलाई लास्ट बरसात 2-3 होने के बाद, फिर आपने उसमें पौधे लगाने का काम करना। पौधे आपने हमेशा जैसे ही अपने पानी की बारी के हिसाब से या जो भी शेड्यूल बना है आप नर्सरी के अंदर आपके पौधे बुक है, तो नर्सरी से लाके दोपहर बाद आपने प्लांटेशन करनी है, लगाने के तुरंत बाद आपने पानी देना है। 2 दिन बाद जब जमीन बदतर आती है तो उसमें दरार आ जाती है,
उसमें आवाज आएगी पौधा मरता है, तो उसमें फिर हम खुरपी से उस दरार को खत्म करके फिर हमने पानी देना है। इसके बाद अगर आपको लगता है आपकी जमीन के अंदर कोई दीमक की और किस तरह की दिक्कत है, तो पानी के साथ आप क्लोरोपेरीफास दवाई भी दे सकते हैं। इसके बाद जैसे जुलाई अगस्त में आपने पौधे लगाए, आगे सर्दी का टाइम है, तो उनको हमने सर्दी से भी बचाना है। पहले ये होता था कि हम उनके ऊपर कोई लिफाफा चढ़ा देते थे या कोई पराली बांध देते थे, लेकिन ये पुरानी पद्धति थी। अब नई जो इजराइल टेक्निक है वो यह है कि आपने सिर्फ तने के ऊपर 5 से 6 परत का अखबार बांध देना है, पूरा कसके लपेटना है तने के ऊपर, पत्तों को खुला छोड़ना है। पहले हम लोग उल्टा करते थे, तने को खुला छोड़ते थे, पत्तों को ढक देते थे, जिससे पौधे को सांस लेना भी बंद हो जाता था और पौधा मर जाता था। हमने तने को बचाना है ताकि नीचे से खाद पानी की सप्लाई आती रहे, और पत्तों को खुला छोड़ना है ताकि वो धूप की मदद से सूरज की किरण के साथ फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी से खुराक बनाने का काम करते रहे। तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक भी पौधा मरेगा नहीं। दिसंबर जनवरी 2 महीने रखने के बाद आपने उस अखबार को हटा देना है और इकट्ठा करके उसको जला देना है, ताकि उसके ऊपर कोई दीमक आदि का अटैक भी ना आए। फिर उसमें जैसे जैसे कोई ज्यादा इसमें बीमारी नहीं आती, सिंपल कोई तैला चेपा आता है, तो उसके लिए कोई भी सिस्टमिक दवाई आप कॉन्फिडोर है, एक तारा इनका स्प्रे कर सकते हो, सुंडी है तो आप फैनवाल है, दूसरी सोलोमोन है, किसी भी एक दवाई का हो जाती है। कैंकर अगर आती है तो उसके अंदर आप स्टेप्टोसाइक्लिन है, कोपरोक्सीक्लोराइड का आप स्प्रे कर सकते हो। तो इन दोनों तीनों दवाइयों का सिंपल सी है यूज करोगे तो आपकी बीमारी भी नहीं आएगी। लेकिन ड्रिप के बारे में, जब आप पौधों को पानी देते हो तो ड्रिप जिस टाइम लगाते हो उस टाइम कोई भी कंपनी लगाए, आपने उनको ये कहना है कि मेरा ड्रिप का डिजाइन ऐसा होना चाहिए भाई, मैंने पूरी लाइफ पौधों को पानी ड्रिप से देना, खुला नहीं देना, चाहे मेरा 2000 रुपए फालतू लगे। लेकिन उस टाइम हम ये थोड़ा सा करते हैं भी पैसे की बचत करने के चक्रों में, भी एक कंपनी इतने पैसे में लगाती है, दूसरी हम कहेंगे भी वो तो इतने में लगाती है, आप महंगा लगाते हो। तो जितना रेट कम होगा कोई ना कोई क्वालिटी से समझौता होगा। आप मेन लाइन डालते हो, उसके बाद में सब लाइन डालते हो, फिर लिटरल डालते हो, तो जो रेजर निकालते हो ना, मेरा तो प्रैक्टिकल तजर्बा ये है भी आप नीचे से डबल रेजर निकालो 16 mm के, ताकि बड़ा होने पे भी शुरू के अंदर तो एक रिंग से आपका काम चल जाएगा, उसके बाद जैसे पौधा बड़ा होता है तो जो दूसरा रेजर आपने निकाला है सेकेंड रिंग बना के आप उसमें पानी बड़ा इजीली कर सकते हो, आपको खुला पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद कोई भी फलदार पौधा है उसमें बहुत ज्यादा कटाई की ज्यादा जरूरत रहती है। अमरूद में अलग तरह की कटाई है, किन्नू के अंदर अलग तरह की कटाई है। अमरूद के अंदर हमने शुरू के अंदर आप जब लगाते हो तो 70-80 सेंटीमीटर पर उसको हेडबैक करते हैं, उसके हर 3 महीने बाद जैसे जैसे टहनियां निकलती है हर टहनी को हमने 60% छोड़ के, जहां से उसका रंग बदलता है 40% उसको काटते हैं। तो जैसे जैसे काटोगे वो पूरा फैलाव ले लेगा और उतनी उसमें फ्रूट वाली टहनियां आपके ज्यादा निकलेगी। किन्नू माल्टा की बात करें तो जिसकी प्लांट की जितनी ज्यादा हाइट है उसमें उतना ही फ्रूट कम है, तो इनमें वाटर शूट टहनियां निकलती है, वो जहां से निकलती है। अब इसमें कई बार हम गलती यह करते हैं कि आपको पता नहीं है, अब दूसरे साइड जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें किसानों के लिए इतना कटाई का नॉलेज नहीं है, तो वो किसी आदमी को कटाई वाले को बुला लिया भी कटाई कर दे, तो वो क्या करता है कि जैसे आदमी की कटिंग करता है ऐसे गोल कर दी कटिंग। अगर किसी प्लांट में 4 या 5 वाटर शूट है, उसने गोल कर दिया, साथ में तो आपसे पैसे ले गया, और साथ में आने वाले टाइम में उसने जो आपकी दिक्कत थी वो 4 से 40 बढ़ा दी। गोल नहीं करना है उसको, हमने यह कहना है भी जो वाटर शूट टहनी जहां से चली है वो प्लांट में चाहे 4 है चाहे 2 है 5 है उनको जड़ से निकाल ली, ऑटोमेटिक आपका प्लांट गोल हो जाएगा, आपकी नंबर ऑफ स्प्रे कम हो जाएगी, आपके फ्रूट की क्वालिटी बढ़िया बनेगी, मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा। इसराइल में भी आप देखो भाई किसी भी फलदार पौधे की हाइट 10 से 12 फीट नहीं है। अब जिन किसानों के किन्नू लगे आप खुद वो उनके खेत में जाके देखना, सबसे ज्यादा नीचे फिर बीच में फिर ऊपर और उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो जितनी वाटरशूट डाल टहनियां प्लांट के अंदर है वो उतना ही क्या है वो रस नीचे से खींचती रहती है, आपका फ्रूट अंडर साइज रहेगा, फ्रूट ड्रॉप भी होगा, क्योंकि वो रस तो जो ताकत है वो उधर जा रही है, तो ऐसी टहनियों को हमने चलने नहीं देना। तो ये सारी छोटी छोटी बातें थी। अभी हमने थोड़ी देर में हमारे साथ CISH बीकानेर है,
जो कम पानी के अंदर कौन सी फसलें हो सकती है उस पे काम करने वाले डॉक्टर जगन सिंह जी गोरा है, तो थोड़ी देर पहले वो संग्रिया अभी आने वाले हैं, उनसे भी हम लोग इस पे बात करेंगे। किसी भी किसान भाई का नए बाप से संबंधित किसी भी कोई भी चीज आपका सवाल है, हम आज भी आपके साथ हैं, कल भी आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपके आने का मकसद तभी कामयाब मैं समझूंगा भी तभी होगा जब आप यहाँ आए हो। यहाँ एग्जीबिशन देखो आपको नई नई चीज मिलेगी, लेकिन जब बाग खेत के अंदर विजिट करोगे फार्म के अंदर तो देखो भी रिज के ऊपर जो यहाँ प्लेन में भी बाग लगा है, रिज के ऊपर भी लगा है, उसमें इसमें क्या फर्क है, कौन से प्लांट अच्छे चल रहे हैं, किस तरीके की ड्रिप का हमने पौधों को पानी दिया है, एक एक पौधे के हमने दोनों ओर लाइन डाल दी है, खुला पानी है नहीं, पौधे बहुत अच्छे हैं, तो क्यों ना हम भी हमारे खेत को पूरे जो ड्रिप है पूरा पानी वो ड्रिप से ही दे, 90% आपके पानी की बचत होगी। ये हमारा जो मन में बैम है भी ड्रिप से पानी पूरा नहीं होता, ये आज आप यहाँ आए हो देखोगे तो ये बैम भी आपका निकल जाना है। तो उसके बाद आप आने वाले टाइम में जब भी कोई नया ऑर्चर्ड लगाओगे आप बिल्कुल 100% इसी बात को लेके लगाओगे भी मेरे ड्रिप से काम चल जाना, मैंने खुला पानी नहीं देना। इसार सफेदा अमरूद है, सारी वेरायटियां यहाँ लगी है, जाके देखना किस वैरायटी के कौन सा फल है, उसका साइज क्या है, उसका रंग क्या है और किस तरीके के प्लांट है, कैसे कटिंग करने हैं। यहाँ हमने आलू बुखारा भी लगा रखा है, बग्गू गोसा भी लगा रखा है, नाशपाती भी लगा रखी है, सारी वैरायटियां लगा रखी है, ड्रैगन फ्रूट भी है। तो सिर्फ मेले लगाने का मकसद और आप लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद है कि हमने यहाँ जो टेक्नोलॉजी अडोप्ट की है वो आप लोगों के साथ साझा कर सकें, आपको दिखा सकें, ताकि उस टेक्नोलॉजी को आप जाने के यहां से जाने के बाद आने वाले टाइम में आप अपने खेत में उसको अडॉप्ट कर सको, उस तरीके की खेती कर सको। किसी भी किसान भाई ने सब्जी की पौध तैयार करानी है तो वो यहाँ बीज गिन के दे सकते हैं, बिना मिट्टी के सॉइललेस मीडिया जिसको हम बोलते हैं उसमें पौध तैयार करते हैं। आप कई बार किसान भाई ऐसे भी हमारे पास केस बहुत आते हैं कि बाजार से बीज ले लिया, वो सोचता है मेरे 10,000 बीज है तो 10,000 रुपए तैयार कराने के लगेंगे, आपने सीधा खेत में बीज लगाया तो कई बार चूहे खा जाते हैं, दीमक खा जाती है, लॉस बहुत हो जाता है। यहाँ बिना मिट्टी के तैयार करते हैं, एक ट्रे के अंदर हम 100 बीज लगाते हैं तो 100 के 100 ही जर्मिनेट होते हैं और आपको फ्री जैसा दे रहे हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट, बिना किसी लालच के बिना कोई पैसा लिए आपको सब्सिडी के ऊपर हमें 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से आपने टेबल के ऊपर बीजों की काउंटिंग करके देनी है। जिस दिन आपकी पौध तैयार होगी हम लोग आपको फोन करेंगे, आपको बक्से के अंदर पैक करके देंगे, ट्रे की सिक्योरिटी हमारी 50 रुपए है, जो जब वापस दे के जाओगे तो वो सिक्योरिटी आपको वापस लौटा दी जाएगी। तो आज आप लोगों का मेन हमारा जो आज और कल बुलाने का ये मकसद है कि यहाँ हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, कौन कौन से हमने यहाँ पे बाग लगा रखे हैं, तो जब हमने यहाँ लगा रखे हैं 100% कामयाब है तो वो बाग आप क्यों नहीं लगा सकते, ड्रिप का डिजाइन हमने यहाँ कैसा किया है, किस हिसाब से जमीन से डोली बना के 2 फीट ऊपर हमने बाग लगाए, वहां कोई बीमारी नहीं है, किस तरीके से कटिंग हम लोग करते हैं। आप लोगों के बुलाने का सिर्फ यही मकसद है भी आप मौके पे आके हर एक किस्म की अमरूद की 10 वेराइटियां हैं आपके सामने, जब आप विजिट करोगे आपको क्लियर यही पता लग जाना है भी कौन सी वेरायटी आपके लिए ठीक है कौन सी गलत है। तो इसार सफेदा वेरायटी अमरूद की जो टॉप वेरायटी है वो सबसे अच्छी है, अनार की मैंने जैसे बताया भाई तीनों चारों वेरायटियां हमारी अर्कता है, सुपर भगवा है, गणेश 137 है, लेकिन ये तभी सक्सेस है जब आप इसमें पानी ड्रिप से देते हो। और ड्रिप सिस्टम मैं पहले भी आपको बताया भी हमारे खेतों में 2 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद चल के बंद हो जाता है, इसका कारण एक ही है कि वो थोड़ा हमने उसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया, ठीक तरीके से लगाया नहीं। हमारे 2010 की प्लांटेशन आज 13 साल हो गए, हमारे पास कोई वाटर चैनल नहीं है खुला पानी देने के लिए, लेकिन वो ड्रिप 100% वर्क कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि शुरू में जो हमने उसका डिजाइन लिया वो ऐसा था भी हमने कंपनी को यही कहा भाई होल लाइफ हमने पानी पौधों को ड्रिप से ही देना है तो किसी भी हालत में कम नहीं है। तो इस तरीके की बातों को आज आपने यहाँ देखना है, उनको समझना है और सीख के जाना है। किसी भी किसान भाई के मन में कोई सवाल हो, चाहे प्लांटेशन से रिलेटेड हो, कोई वैरायटी से रिलेटेड हो, तो दोनों दिन हम लोग आपकी सेवा में तत्पर हैं। विभाग के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, बाहर से बीकानेर से भी हमने साइंटिस्ट साहिबान बुलाए हैं,
वो भी आपके हर बात का जवाब देंगे, हर सवालों का जवाब देंगे। कोई भी सवाल आपका किसी भी तरीके से पौधे से संबंधित है, नर्सरी से संबंधित है, तो इन दोनों दिनों का जब आप आए हो तो खेत में विजिट करते टाइम देखना भाई किस तरीके के ड्रिप हमने लगा रखी है, कैसा फ्रूटिंग है, कैसी हमारी कटिंग है, किस वैरायटी की क्या पहचान है, तभी मैं समझूंगा कि आज आपका यहाँ आना बिल्कुल 100% सफल होगा। किसी भी किसान भाई का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर पुनिया जी।